हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 310। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपको गूगल एडसेंस के बारे में तो ज़रूर पता होगा, क्योंकि गूगल एडसेंस से ही आप यूट्यूब पे जितनी भी कमाई करते हैं वो गूगल एडसेंस के थ्रू ही आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। उसी की हेल्प से आपकी पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम गूगल एडसेंस का अकाउंट बनाते हैं और उसमें जो नाम और एड्रेस हम देते हैं, वो जब हम अपना कोई भी आईडी वेरिफिकेशन करते हैं, उसमें एड्रेस वेरिफिकेशन करते हैं, तो उस टाइम वो आईडी हमारी मैच नहीं होती, क्योंकि हो सकता है हमसे स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाए या हमने नाम कुछ और डाल दिया हो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपकी इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ और आपको सिखाने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपने गूगल एडसेंस में नाम और एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने क्रोम ब्राउजर में अपना एडसेंस अकाउंट ओपन किया हुआ है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। आपको इसमें पेमेंट्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना है, और नीचे आपको यहाँ पे एक मैनेज सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, सेटिंग्स के अंदर तो यहाँ पे आपको मैनेज सेटिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, इस तरह की पेज आपके सामने आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको नाम और एड्रेस ये आपको मिला हुआ है। इसके सामने ये एडिट का ये ऑप्शन है, यहाँ से हम इसमें एडिट कर सकते हैं। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे हम अपना कोई भी नाम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे नाम और नीचे यहाँ पे एड्रेस हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जो भी हम चेंज करना चाहें यहाँ से हम अपना चेंज कर सकते हैं। और जब यहाँ पे कोई भी चेंज हो जाए, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है, उसके बाद हमें स्क्रॉल डाउन करना है। जी, यहाँ पे सेव का ऑप्शन आएगा, आपको इस सेव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही सेव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी नाम और एड्रेस आपने चेंज किया है वो सेव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना नाम और एड्रेस गूगल एडसेंस के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपने अच्छे से सीख लिया हो कि आप किस तरीके से गूगल एडसेंस के अंदर अपने नाम और एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। अगर फिर भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है आपकी, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।